नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। शिवाजी पार्क में दशहरा रैली पर छिड़ा संग्राम कोर्ट के दरवाजे जा पहुंचा है। बीएमसी ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोनों ही पक्षों को अनुमति देने से इनकार कर दिया। तो महाराष्ट्र के टॉप मेडिकल कॉलेजों में MBBS में एडमिशन के लिए अब जल्द ही आवेदन शुरू होने वाले हैं। महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल मेडिकल कॉलेज में नीट के जरिए स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस शुरू करेगी। वहीं उद्धव ठाकरे ने शिंदे के दिल्ली दौरे को मुजरा करार देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट दूसरे राज्यों में क्यों जा रहे हैं, वो इस बारे में पीएम मोदी से बात क्यों नहीं करते, क्या उन्हें बोलने की हिम्मत नहीं है। तो उधर ठाणे जिले के भिवंडी में एक व्यक्ति ने प्रेमिका की मदद से अपनी 57 वर्षीय माँ की हत्या कर दी। आरोपी की मां ने उसकी प्रेमिका के साथ संबंधों का विरोध किया था, जबकि दोनों की शादी करने की योजना थी। इस बीच मुंबई में बीते 10 सितंबर को एक स्कूल बस ने 9 साल के एक बच्चे को टक्कर मार दी थी, जिसके कारण मासूम की मौत हो गई थी। समता नगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कांदिवलीपुर में स्कूल बस के चालक को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश की इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली पर छिड़ा संग्राम कोर्ट के दरवाजे जा पहुंचा है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोनों ही पक्षों को अनुमति देने से इनकार कर दिया। बीएमसी की तरफ से आए इस फैसले के बाद उद्धव कैंप ने हाईकोर्ट का रुख किया है। इधर बागी कैंप ने भी एक याचिका दायर की है। दोनों याचिकाओं पर कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। बीएमसी का कहना है कि अगर किसी एक गुट को अनुमति दी जाती है तो मौके पर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। गुरुवार को उद्धव कैंप की याचिका के जवाब में शिंदे गुट के विधायक सदा सर्वांकर भी कोर्ट जा पहुंचे हैं। उन्होंने मामले में इंटरवेंशन पिटीशन दाखिल की है। इससे पहले उच्च न्यायालय में गुरुवार दोपहर को ही सुनवाई होने वाली थी। उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बुधवार को भी उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में अनुमति देने के लिए बीएमसी को निर्देश जारी करने के लिए कहा था। याचिका में कहा गया था बीएमसी को आवेदन देने के 20 दिनों के बाद भी फैसला लिया जाना बाकी है। उस दौरान एडवोकेट जोल कार्लोस ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि बीएमसी की तरफ से अनुमति नहीं मिलने या फैसला नहीं सुनाए जाने की कोई वजह नहीं है। याचिका में बताया गया था कि शिवसेना साल 1966 में हर साल दशहरा पर आयोजन कर रही है। दिवंगत बाल ठाकरे ने 1966 में ही शिवसेना का गठन किया था, उसके बाद से ही ये सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र के टॉप मेडिकल कॉलेजों में MBBS में एडमिशन के लिए अब जल्द ही आवेदन शुरू होने वाले हैं। महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल मेडिकल कॉलेज में नीट के जरिए स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस शुरू करेगी। इस बार महाराष्ट्र में मेडिकल कॉलेजों में MBBS कोर्स में एडमिशन के लिए ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा नीट में 1,00,000 से अधिक स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। इस परीक्षा में करीब 2,44,903 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। अब ये स्टूडेंट्स महाराष्ट्र नीट काउंसलिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे उनका एडमिशन राज्यों के पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में हो जाएगा। कॉमन एडमिशन प्रोसेस पोर्टल पर काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। इससे महाराष्ट्र नीट काउंसलिंग, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज की काउंसलिंग होगी। पिछले साल की कट ऑफ मार्क्स और रैंक वेबसाइट पर उपलब्ध है। कट ऑफ स्कोर से मतलब है लास्ट ईयर का कट या मार्क दिए गए होंगे, जिस पर मेडिकल की सीट दी जाएगी। महाराष्ट्र नीट काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले CET सेल में रजिस्टर करना होगा। इसके बाद काउंसलिंग फीस भरनी होगी और फिर वह अपना टॉप मेडिकल कॉलेज चूज कर सकता है। इसके बाद सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी की जाएगी। संबंधित जानकारी के अनुसार ही इच्छुकों को तैयारी करने के लिए कहा गया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने फिर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने शिंदे के दिल्ली दौरे को मुजरा करार देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट दूसरे राज्यों में क्यों जा रहे हैं, वो इस बारे में पीएम मोदी से बात क्यों नहीं करते हैं, क्या उन्हें बोलने की हिम्मत नहीं है। महाराष्ट्र सरकार को आरोप लगाने के बजाय फॉक्सकॉन वेदांता सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को वापस लाना चाहिए। इसके साथ साथ पूर्व सीएम ने शिवसेना की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा कि राज्य के व्यापक हित के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों के साथ आना चाहिए और परियोजना को वापस लाना चाहिए। ठाकरे ने आगामी मुंबई नगर निकाय चुनाव में भाजपा को उनकी पार्टी को हराने की चुनौती दी और कहा कि मुंबई के साथ शिवसेना का संबंध अटूट है, मैं आपको इसे आजमाने की चुनौती देता हूं। शहर के साथ शिवसेना का रिश्ता अटूट है और हमारी पार्टी आम मुंबई वासियों के दैनिक जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। जब भी आवश्यकता होती है हम उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं।
ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर 1,54,000 करोड़ रुपए की वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर परियोजना के बारे में झूठ बोलने का भी आरोप लगाया, जिसे गुजरात में स्थानांतरित कर दिया गया है। ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार इस परियोजना को भाजपा शासित राज्य में स्थानांतरित करने के बाद भारी प्रोत्साहन दे रही है। ठाणे जिले के भिवंडी में एक व्यक्ति ने प्रेमिका की मदद से अपनी 57 वर्षीय माँ की हत्या कर दी है। आरोपी की माँ ने उसकी प्रेमिका के साथ संबंधों का विरोध किया था, जबकि दोनों की शादी करने की योजना थी। आरोपियों की पहचान कृष्णा अंबिका प्रसाद यादव और बबीता पतलूराम यादव के रूप में हुई है। माँ का नाम अमरावती था। बबीता, जो कृष्णा की दूर की रिश्तेदार है, तलाकशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। कृष्णा डिलीवरी बॉय का काम करता था और भिवंडी के कल्हेर इलाके में 1 BHK के मकान में रहता था। उसके साथ परिवार के और लोग भी रहते थे। बबीता भी कृष्णा के घर में रहती थी, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया। दूसरी ओर कृष्णा की माँ को दोनों के बीच का रिश्ता नागवार लगता था। अक्सर इस मुद्दे को लेकर दोनों के बीच झगड़ा भी होता था। पुलिस के अनुसार 20 सितंबर को जब परिवार के सभी सदस्य लिविंग रूम में सो रहे थे, तब दोनों ने अमरावती को बातचीत के लिए बेडरूम में बुलाया। जैसे ही वो अंदर आई, दरवाजा बंद कर दिया और बेल्ट से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद दोनों ने अमरावती को इस तरह से लेटा दिया जैसे देखने में ये लगे कि वो सोई हुई है। सुबह जब सब उठ गए और अमरावती सोती रही, तो परिवार के बाकी सदस्यों ने उसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला तो आनन फानन में अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मौत का कारणों का खुलासा कर दिया। पुलिस ने कृष्णा और उसकी महिला रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई में बीते 10 सितंबर को एक स्कूल बस ने 9 साल की एक बच्ची को टक्कर मार दी थी, जिसके कारण मासूम की मौत हो गई थी। समता नगर पुलिस ने कांदिवलीपुर में स्कूल बस के चालक को गिरफ्तार कर लिया है। 9 साल की शिवानी जाधव भुसावल में अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहती थी। 8 सितंबर को वो अपनी दादी के साथ कांदिवली में आई थी। 2 दिन बाद जब वो अपनी दादी ललिता के साथ घर पर थी, तो उसे धनिया खरीदने के लिए पास के एक दुकान पर भेज दिया गया। शिवानी दुकान की ओर जा रही थी, उसी दिशा में जा रही एक स्कूल बस ने उसे टक्कर मार दी। शिवानी के जमीन पर गिरने के बाद बस का अगला पहिया उसके पेट से टकरा गया। बस के चालक ने उसे डॉक्टर के पास ले जाना भी ठीक नहीं समझा और मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने शिवानी को पास के एक अस्पताल में पहुंचाया। डॉक्टर ने उसे सायन अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहा। दादी ने उसे सायन अस्पताल में रहने और इलाज कराने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन लड़की अपनी माँ के पास जाना चाहती थी। 12 सितंबर को जब ललिता और शिवानी दादर स्टेशन पर थी, तो उसने पेट दर्द की शिकायत की और वही गिर पड़ी। दादर राजकीय रेलवे पुलिस के अधिकारी उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना वाले दिन के सीसीटीवी फुटेज को देख पुलिस ने स्कूल बस के ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में एक और दिग्गज की एंट्री संभावनाएं बन रही है। खबर है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के खिलाफ केंद्र की अलग अलग एजेंसियों ने बड़ा एक्शन लिया है। खबर है कि देश के 11 राज्यों में 106 ठिकानों पर दबिश देकर 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वही कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव आज अनंत में विलीन हो गए। उनके बेटे आयुष्मान ने उन्हें मुखाग्नि दी। शंकर नाथ में भारी हुजूम देखने को मिला। तो उधर RSS प्रमुख मोहन भागवत आज नई दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद पहुंचे। उन्होंने यहाँ डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी के अलावा मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की। इस बीच राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि ममता बनर्जी राष्ट्रीय हित के लिए कांग्रेस से अपने मध्य खुलाने और 2024 आम चुनाव से पहले साथ मिलकर विपक्षी दलों का एक गठबंधन बनाने के लिए तैयार है। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में नई नई कड़ी जुड़ती जा रही है। राहुल गांधी की ओर से अंततः ना कह देने के बाद कयासों का बाजार गर्म है। हालांकि माना जा रहा है कि अध्यक्ष कोई भी हो, वो रबर स्टैंप ही होगा। बहरहाल इस चुनाव में एक और दिग्गज की एंट्री संभावनाएं बढ़ रही है। खबर है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो गुरुवार को दिल्ली पहुंच रहे हैं और पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल रेस में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तिरुवनंतपुरम सांसद शशि थरूर का नाम सामने आ रहा था। दिग्विजय सिंह की सोनिया गांधी से मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने में 2 दिनों का ही समय बाकी है। एक चैनल से बातचीत में सिंह ने जब थरूर और गहलोत को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने अपना नाम पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि देखते हैं, चुनाव में खुद उतरने की संभावना से भी इनकार कर रहा हूं। आप मुझे बाहर क्यों रखना चाहते हैं? 20 साल बाद अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, तो मैं क्यों नहीं दावेदार? उन्होंने अपने नामांकन की तारीख के भी संकेत दिए।
सिंह का कहना है कि सभी को चुनाव लड़ने का हक है, आपको 30 की शाम को जवाब मिल जाएगा। बता दें कि 30 सितंबर को ही नामांकन की अंतिम तारीख है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ केंद्र की अलग अलग एजेंसियों ने बड़ा एक्शन लिया है। खबर है कि देश के 11 राज्यों में 106 ठिकानों पर दबिश देकर 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें पार्टी के कई बड़े नेता भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इस पूरे एक्शन की पटकथा 29 अगस्त को हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में लिख दी गई थी। उस दौरान शाह ने पीएफआई की गतिविधियों को देखते हुए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। बैठक में शामिल शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि शाह पीएफआई और उससे जुड़ी गतिविधियों की जानकारी चाहते थे। उस दौरान जब मौजूद लोगों ने उन्हें जानकारियां मुहैया कराई तो उन्होंने अलग अलग एजेंसियों को जिम्मेदारियां बांटी। पीएफआई के खिलाफ बड़े एक्शन की योजना बनाई गई थी, लेकिन ये भी तय किया गया था कि एजेंसियां पहले पूरा होमवर्क करेंगी। बैठक के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉ, आईबी, एनआईए के प्रमुख समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए थे। शाह ने यह साफ कर दिया था कि पीएफआई के पूरे कैडर, फंडिंग और आतंकी नेटवर्क को खत्म करना है और इसमें अलग अलग एजेंसियों के शामिल करने की योजना तैयार की गई। इसमें ईडी को पीएफआई की फंडिंग, विदेश से मदद और अवैध लेन देन से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने बुधवार की सुबह करीब 10:15 बजे इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अपनी कॉमेडी से सभी को हंसाने वाले राजू ने जाते जाते सभी को रुला दिया। अक्षय कुमार से कपिल शर्मा तक और पीएम नरेंद्र मोदी से राष्ट्रपति तक राजू श्रीवास्तव को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। राजू श्रीवास्तव ने अपनी मेहनत के दम पर अपने लिए एक बड़ा मुकाम हासिल किया था। राजू 10 अगस्त से एम्स में भर्ती थे और 21 सितंबर को उनका निधन हो गया था। 40 दिन से अधिक समय तक मौत से लड़ने वाले राजू श्रीवास्तव का आज अंतिम संस्कार किया गया। राजू श्रीवास्तव के बेटे आयुष्मान ने उन्हें मुखाग्नि दी। शमशान घाट में भी फैंस का भारी हुजूम देखने को मिला। अब राजू श्रीवास्तव का जिक्र सिर्फ यादों में होगा। उनके किस्से, कोशिश और हौसला अब सिर्फ किस्सों में रह जाएगा। सुनील पाल भी राजू को अंतिम विदाई देते नजर आए हैं। फैंस की आंखें नम है, उनके दिल में टीस है कि राजू ने बहुत पहले दुनिया को अलविदा कह दिया और सबको हंसाने वाला एक इंसान दुनिया को छोड़कर चला गया। उन्हें याद करके सभी की आंखें नम है। अंतिम संस्कार के समय दिल्ली में हल्की हल्की बारिश शुरू हुई तो ऐसा लगा मानो इंद्रदेव भी नम आंखों से राजू को आखिरी विदाई दे रहे हैं। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के समय बारिश को भगवान की ओर से पुष्पांजलि माना जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत आज नई दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद पहुंचे। उन्होंने यहां डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी के अलावा मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की। इलियासी अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम है। इससे पहले भागवत ने मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बंद कमरे में बैठक कर उनसे गोहत्या पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा था। इसके अलावा उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ काफिर और जिहाद जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने बदले में आरएसएस प्रमुख को हाल के दिनों में समुदाय में भय की बढ़ती भावना से अवगत कराया। आरएसएस के एक सूत्र ने कहा कि 75 मिनट की बातचीत में भाईचारे को बढ़ावा देने और धार्मिक समावेशिता के विषय को बढ़ावा देने के तरीके तलाशे गए। बैठक में शामिल हुए प्रमुख मुस्लिम प्रतिनिधियों में दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी और व्यवसायी सईद शेरवानी शामिल थे। बैठक में मुस्लिम प्रतिनिधियों ने बताया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करने पर उन्हें देशद्रोही करार दिया जाता है। बैठक के बाद भागवत ने नियमित रूप से मुस्लिम समुदाय के संपर्क में रहने के लिए 4 वरिष्ठ पदाधिकारियों को नियुक्त किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि तृणमूल सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राष्ट्रीय हित के लिए कांग्रेस से अपने मतभेद भुलाने और 2024 आम चुनाव से पहले साथ मिलकर विपक्षी दलों का एक गठबंधन बनाने के लिए तैयार है। पवार के मुताबिक बनर्जी ने यह भी कहा था कि वो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ हुए पिछले अनुभव को भी भूलने को तैयार है। पवार ने कहा कि वो तथा दूसरे दलों के कुछ नेता जिनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला शामिल है, अगले चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मोर्चे का निर्माण करने वास्ते कांग्रेस से हाथ मिलाने के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस के साथ बनर्जी के मतभेदों और तृणमूल द्वारा पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने के बाबत
पूछे गए एक सवाल के बारे में पवार ने कहा कि ममता बनर्जी ने व्यक्तिगत रूप से कहा था कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय हित में सत्तारूढ़ बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने के वास्ते तैयार है। राकांपा अध्यक्ष ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान तृणमूल को लगा था कि कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के गठबंधन ने भाजपा को राज्य में अधिक सीटें प्राप्त करने में मदद की थी। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारी कांग्रेस से बेहद निराश थे, लेकिन पार्टी के मुखिया ने अपने रूप में बदलाव किया था। तृणमूल कांग्रेस ने पिछले साल मई में पश्चिम बंगाल चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर का राग छेड़ा तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साइप्रस का मुद्दा उठाकर उसकी बोलती बंद कर दी। वही ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार से लौटी डेनमार्क की रानी मार्गरेट द्वितीय कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई है। तो उधर पाकिस्तान में अब दूषित पानी से पैदा होने वाले मच्छरों की वजह से मलेरिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी कारण उसने भारत से 71 लाख मच्छरदानी आयात करने की अनुमति मांगी है। इसी बीच आजादी के बाद सबसे गहरे आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका में बिजली संकट अभी भी चरम पर है। अब भिक्षुओं, पुजारियों और नरों ने एक समूह ने राजधानी कोलंबो में बिजली की बढ़ी हुई दरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उधर इस्लामवादी मोहम्मद हिजाब का हिंदू के खिलाफ जहर उगलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दुनिया भर की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन के एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर का राग छेड़ा है। भारत की ओर से पहले कड़ी आपत्ति जताने के बाद भी उन्होंने यह रुख अपनाया है। एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान को आजाद और संप्रभु मुल्क ने 75 साल गुजार गए हैं, लेकिन अब तक दोनों देशों में शांतिपूर्ण संबंध नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर के मुद्दे का समाधान होगा और वहां स्थायी शांति आ सकेगी। इस पर भारत ने भी तुर्की को घेरते हुए साइप्रस का मुद्दा उठाया है। एर्दोगन के बयान के कुछ घंटों के अंदर ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुर्की के अपने समकक्ष मेवलुत कावुसोग्लु से मुलाकात की और सरप्राइज का मुद्दा उठाया। दरअसल सरप्राइज का मुद्दा तुर्की के लिए हमेशा से दुखती रग रहा है और भारत ने कश्मीर पर बोलने के बदले में उसकी इसी नस को दबाया है। भारत की इस कूटनीति को तुर्की के कश्मीर राग का करारा जवाब माना जा रहा है। सरप्राइज का संकट 1974 में शुरू हुआ था जब तुर्की ने हमला करके उसके उत्तरी हिस्से पर कब्जा जमा लिया था। सैन्य तटपालट के चलते सरप्राइज में हालात बिगड़ गए थे और उसका फायदा उठाते हुए तुर्की ने यह कब्जा किया था। तब से ही भारत इस बात का पक्षधर रहा है कि इस मामले का हल संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निकाला जाए। साइप्रस के साथ भारत के हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं और कश्मीर मुद्दों पर वह बीते 5 दशकों से भारत के स्टैंड का समर्थन करता रहा है। ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार से लौटी डेनमार्क की रानी मार्गरेट द्वितीय कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई है। डेनियस रॉयल कोर्ट ने इसकी पुष्टि की है। डेनमार्क की रानी मार्गरेट इस साल दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हुई है। कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद रानी मार्गरेट द्वितीय ने इस सप्ताह के लिए अपनी नियुक्ति को रद्द कर दिया है। शाही परिवार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि 82 वर्षीय मार्गरेट द्वितीय पिछले 50 वर्षों से राजगद्दी पर है। संक्रमित होने की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अपना आधिकारिक कार्यक्रम रद्द कर दिया है। 82 वर्षीय महारानी मार्गरेट उन 2000 विशिष्ट मेहमानों से एक थी जो सोमवार को महारानी एलिजाबेथ के अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल हुई थी। वह वेस्टमिंस्टर एबे में मोनाको के राजकुमार अल्बर्ट द्वितीय, बेल्जियम के राजा फिलिप सहित कुछ अन्य यूरोपीय देशों के राजा की कतार में बैठी थी। महारानी ब्रिटिश सम्राज्ञी की मृत्यु के बाद यूरोप की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली शासक बन चुकी है। डेनमार्क की रानी मार्गरेट और ब्रिटेन की दिवंगत रानी एलिजाबेथ दोनों के बीच बहन का रिश्ता है। डेनमार्क की रानी मार्गरेट और ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ तीसरी पीढ़ी की चचेरी बहनें हैं। डेनमार्क की गद्दी पर बैठने के 50 साल पूरे होने पर मार्गरेट इस सप्ताह के अंत में स्वर्ण जयंती उत्सव मनाने जा रही थी, लेकिन बहन के निधन के कारण कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। बड़े पैमाने पर बाढ़ की समस्या का सामना करने के बाद पाकिस्तान अब एक और गंभीर संकट से उभरने की कोशिशों में जुटा हुआ है। पाकिस्तान में अब मलेरिया के कहर ने लोगों का जीना मुहाल कर देखा है। दूषित पानी से पैदा होने वाले मच्छरों की वजह से मलेरिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।
देश में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इस संकट से निजात पाने के लिए लोगों के पास मच्छरदानी तक नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से पाकिस्तान को भारत की याद आई है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार गुलाम अब्बास शाह ने दावा किया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने मलेरिया के प्रकोप से निपटने के लिए भारत से 71 लाख मच्छरदानी आयात करने की अनुमति मांगी है। दरअसल पाकिस्तान में गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के कारण मच्छरदानी की अत्यधिक मांग हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सिद्ध और बलूचिस्तान के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बीते 2 महीनों में 2 लाख लोग मलेरिया से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 22% मामले प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम टाइप के हैं। जून के मध्य से पाकिस्तान बाढ़ की चपेट में है, जिसके कारण 3.3 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में त्वचा संक्रमण, दस्त और मलेरिया बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। इससे अब तक 324 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के पीएम शहबाज शरीफ ने भी इसे सबसे कठिन समय बताया है। आपदा के बाद डॉक्टर और चिकित्सा कर्मचारी जलजनित बीमारियों और अन्य संक्रमणों में वृद्धि से जूझ रहे हैं और रोगियों के इलाज में जुटे हैं। आजादी के बाद सबसे गहरे आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका में बिजली संकट भी अभी चरम पर है। अब भिक्षुओं, पुजारियों और नन्नों के एक समूह ने राजधानी कोलंबो में बिजली की बढ़ी हुई दरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल फोर्ट रेलवे स्टेशन के सामने प्रदर्शन हुआ। धार्मिक नेताओं ने दावा किया कि वे बिलों का भुगतान करने में असमर्थ है। श्रीलंका में प्रभावशाली बुद्ध भिक्षुओं द्वारा विरोध प्रदर्शन के बाद बिजली और ऊर्जा मंत्री कंचना विजयसकरा ने कहा कि देश और पैनलों की खरीद के लिए भारत या चीन से ऋण सहायता की तलाश कर रहे हैं। बिजली की अत्यधिक लागत को कम करने के लिए यह फैसला किया गया है। दरअसल श्रीलंका ने अगस्त में 9 वर्षों के बाद बिजली की दरों में औसतन 75% की वृद्धि की है। सरकार को इस फैसले पर बुद्ध भिक्षुओं की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने विरोध में जनता से बिजली बिलों का भुगतान नहीं करने को कहा है। ऊर्जा मंत्री विजयसकरा ने कहा कि धार्मिक स्थलों के लिए 48,000 से अधिक उपभोक्ता कनेक्शन है, उसमें से 15,000 से अधिक प्रति माह 30 यूनिट से कम खपत कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री विजयसकरा ने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों जिनमें बौद्ध मंदिर, चर्च मंदिर और मस्जिद शामिल है, उन्हें सलाह दी गई है कि वे सोलर पैनल लगाएं। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर बिजली आपूर्ति पर हमेशा सब्सिडी दी जाती रही है। ऊर्जा मंत्री ने टैरिफ वृद्धि का बचाव करते हुए कहा कि यह जरूरी था। इस्लामवादी मोहम्मद हिजाब का हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि ब्रिटेन की पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक जिस दिन लिसेस्टर शहर में तनाव भड़का था, उस दिन भी वो लिसेस्टर शहर में ही मौजूद था। कई और वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें उसे भीड़ को उकसाते हुए देखा जा सकता है। मोहम्मद हिजाब का ट्विटर अकाउंट हिंदुओं और भारत के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों के ट्वीट और रिट्वीट से भरा पड़ा है। अपने ट्वीट में उसने लिसेस्टर शहर के मुसलमानों को एकजुट होने और हिंदुओं का मुकाबला करने की अपील की है। उसने कहा कि हम इस हिंदुत्व चरमपंथ को हम यहां फैलने नहीं देंगे। रिपोर्ट के अनुसार हिजाब ने अतीत में कई यहूदी विरोधी हमलों का आयोजन किया है और इन हमलों में उसकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। मोहम्मद हिजाब एक मिस्र का रहने वाला एक ब्रिटिशी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जिसके इंस्टाग्राम पर करीब 1.5 लाख फॉलोअर्स, ट्विटर पर 80.9 फॉलोअर्स है और यूट्यूब पर 597,000 सब्सक्राइबर है। वह खुद को राजनीतिक दर्शन और धर्म में रुचि रखने वाले लेखक और अकादमिक कथा। वह ज्यादातर युवा दर्शकों के उद्देश्य से मुसलमानों और इस्लाम के संबंधित उत्तेजक सामग्री बनाता है और खासकर उसके वीडियो हिंदू धर्म यहूदियों के खिलाफ होते हैं, लिहाजा वो तेजी से मुसलमानों के बीच प्रसिद्ध हो रहा है। तो बीजेपी न्यूज के आज के इस खास पेशकश में अब बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए बीजेपी न्यूज। नमस्कार।